कोसली से बड़ी खबर है, जहां एक शराब के ठेके का विरोध किया जा रहा है। शराब ठेका खोलने पर लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। कृष्णनगर गांव के अंदर शराब ठेका खोलने का विरोध किया गया। महिलाओं और बच्चों ने कोसली रोड पर जाम लगाया। ठेका खोलने के विरोध में पंचायत भी पास कर चुकी है प्रस्ताव। प्रस्ताव पास करके आबकारी विभाग को भेजा जा चुका है। विरोध में प्रस्ताव पास करने के बाद भी शराब ठेका यहाँ पर खोला गया। इसी को लेकर के काफी रोष कोसली के इस गांव वासियों में देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि गांव में 20 साल से कभी ठेका नहीं खुला, कभी शराब का ठेका नहीं खुला है, ग्रामीणों का ये कहना है। और उस परंपरा को अब नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वहां पर शराब का ठेका खोला गया आबकारी विभाग की तरफ से। गांव की परंपरा चली आ रही है, कभी शराब का ठेका नहीं खुला है। प्रस्तावित शराब ठेके से 300 मीटर की दूरी पर ही रीजनल सेंटर है। तो ऐसे में तमाम जो बातें हैं वो कही गई हैं ग्रामीणों की तरफ से, गांववासियों की तरफ से इस ठेके के विरोध में। महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे विशेष रूप से इस प्रदर्शन में आगे आते हुए दिखाई दिए। साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी इस शराब के ठेके का विरोध करने के लिए सड़कों पर आए, जाम लगाया गया। महिलाएं विशेष रूप से सड़क पर आई और उन्होंने जाम लगाया, विरोध किया उस शराब के ठेके का। शराब के विरोध में लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। साहिल भारद्वाज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। साहिल, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, क्योंकि बताया जा रहा है कि पंचायत की तरफ से भी विरोध में एक प्रस्ताव पास किया गया है, ग्रामीण भी लगातार विरोध कर रहे हैं और उसके बावजूद भी यहाँ पर ठेका खोला गया। जी हितेंद्र, बताना चाहूंगा कि पिछले 20 सालों से इस गांव में ठेके के लिए प्रस्ताव दिया और इसके कारण ठेका नहीं खुला है, लेकिन अब की बार पंचायतों के इलेक्शन लेट होने के कारण प्रस्ताव लेट दिया गया था, इसके कारण ठेका खुल गया। आज एसडीएम साहब ने आश्वासन भी दिया था कि गांव में ठेका नहीं खोला जाएगा, इसके बावजूद इस गांव में ठेका खोल दिया गया है। अभी एसडीएम साहब भी मौके पर मौजूद है, वो भी आबकारी विभाग के अधिकारियों का वेट कर रहे हैं। जी कितने दिन हुए यहाँ पर ठेका खुले? अभी 2 से 3 दिन ही हुए हैं ठेकों के खुले हुए। महिलाओं की कहना है कि मात्र 500 मीटर की दूरी पर यहाँ पर लड़कियों का रीजनल सेंटर खोला हुआ है और यहाँ पर शराब पीने वाले शरारती तत्व लड़कियों को पत्तियां कसते हैं जी, और इसीलिए ये विरोध किया जा रहा है यहाँ पर। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो शराब के ठेके का विरोध कोसली में किया जा रहा है और अब वहाँ पर क्योंकि प्रदर्शन भी जारी है और एसडीएम पहुंचे हुए हैं, लेकिन आबकारी विभाग के अधिकारियों का इंतजार किया जा रहा है।